हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, वेलकम बैक वंस अगेन ऑन माय चैनल। मैं हूँ किरण और दोस्तों आज फिर से मैं आपके बालों को काला लंबा घना करने का बहुत ही ज़बरदस्त और मैजिकल फार्मूला लेकर के आई हूँ। दोस्तों, अगर आपके बाल बहुत ही जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं, अगर आपके बाल बहुत ही ज़्यादा मतलब वाइट हो रहे हैं, ग्रे हो रहे हैं, दोस्तों बहुत सारा नुस्खा करते हैं लेकिन फिर भी आपके बाल काले नहीं हो पाते हैं, उल्टा रफ और बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं, तो उसके लिए आज का ट्राई करिएगा नुस्खा। दोस्तों, आज के नुस्खों को बनाने के लिए सबसे पहले जो सामग्री आपको लेनी है वह होगा आपका, ये हमारा है कलौंजी। इसको हम ब्लैक क्यूमिन सीड्स बोलते हैं और भी बहुत सारे कुछ बोलते हैं। तो दोस्तों, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, मेडिसिनल जिसको सीड्स बोला जाता है, इसके बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ होते हैं। हमारे ब्लड शुगर लेवल के लिए भी अच्छा होता है, हमारे डायबिटीज़ के लिए काफ़ी अच्छा होता है, जोड़ों के दर्द के लिए, सर दर्द के लिए, बालों के लिए काफ़ी अच्छा होता है। हमारे बालों में कहा जाता है कि अगर आपके बाल नहीं है तो नए बाल उगाता है, गंजे सर पे बाल लाने की क्षमता होती है कलौंजी की। दोस्तों, मंगरेला भी बोलते हैं इसको, अक्सर किचन में खाने पीने की चीज़ों में यूज़ किया जाता है, हमारे डाइजेशन में भी काफ़ी अच्छा करता है, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है फ्रेंड्स। तो बहुत ही अच्छा, मार्केट में इसके बहुत सारे कैप्सूल्स भी मिलते हैं जो कि हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए खाया जाता है, हमारे हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, हाइजीन रखने के लिए, मतलब डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए खाया जाता है। तो इसीलिए दोस्तों, यहाँ पे मंगरेला को क्या करना है, आपको 2 चम्मच लेकर के इसको ड्राई रोस्ट कर लेना है। आज के लिए एक नेचुरल हेयर डाई बना रही हूँ मैं, जो कि आपको बाहर से किसी भी डाई को करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाहर से डाई करने से हमारे बाल रफ़ डैमेज हो जाते हैं, लेकिन जब ये इसको ट्राई कीजिएगा तो आपके बाल बिल्कुल भी रफ़ और ड्राई नहीं होंगे। 2 मिनट के आसपास, एटलीस्ट 2 मिनट इसको ड्राई रोस्ट कर ले और उसके बाद इसको किसी भी बर्तन में निकाल के हल्का सा इसको आप ठंडा करने के बाद जो है, थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में जब आप बनाओगे तो इसको ज़्यादा करके आप ग्राइंड करके इसका पाउडर बना करके रख लीजिए और जब भी इसकी ज़रूरत हो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे बहुत ही कम, अभी 1-2 चम्मच ही बनाया है, तो इसको मैं नॉर्मली जैसे क्रश करते हैं, कुटनी होता है ना, खलबट्टा, उसमें ही कूट लूँगी बहुत ही पाउडर फॉर्म में। जब लेकिन आप इसको ग्राइंड करोगे ना तो बहुत ही फाइन वाला पाउडर बनेगा और वो ज़्यादा और यूज़ होगा बालों के लिए, एकदम डाई जैसा दिखेगा वो दोस्तों, ज़्यादा क्वांटिटी में करने पे। तो एक साथ ज़्यादा क्वांटिटी पीस करके रख लीजिए और हमेशा डाई जब भी करना हो तो ये वाला तेल लगाइए, ये वाला जो है कलौंजी का जो है जो हेयर डाई होता है वो बना करके लगाइए, बाल को नेचुरली काला करेगा, ग्रे बाल को कवर करेगा दोस्तों, बहुत ही अच्छा होता है। तो कुछ देर इस तरह से जब कूटिएगा ना तो बहुत ही अच्छे से ये पाउडर फॉर्म में हो जाएगा, मतलब बहुत ही ज़्यादा जो जैसा हम ग्राइंड करते वैसा तो नहीं होगा लेकिन फिर भी ये हो जाएगा, कम क्वांटिटी है इसीलिए मैंने ऐसा किया है। ये देखिए कितना बढ़िया सा हो गया ना, बिल्कुल फाइन पाउडर जैसा हो चुका है। तो चलिए इसको अब कैसे क्या करना है आपको, तो कोई भी एक कटोरी ले ले, कांच का हो तो ज़्यादा अच्छा है, उसमें रख लीजिए और उसमें 1-2 चम्मच जो है पाउडर आप निकाल के, 1 टाइम बना रहे हैं ना, ज़्यादा लंबा बाल है तो थोड़ा ज़्यादा भी बना सकते हैं, लगभग 2-3 चम्मच ले लीजिएगा, ठीक है। उसमें अब आपको जो मिक्स करना है ये होगा आपका कोकोनट ऑयल, जो भी आप ऑयल यूज़ करते हैं, कोकोनट ऑयल हो या फिर ऑलिव ऑयल हो, जो भी ऑयल यूज़ करते हैं, तेल यूज़ करते हैं वो लगा लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं कोकोनट ऑयल जो है, घर का बना हुआ कोकोनट ऑयल है, बहुत ही अच्छा है, बिना किसी मिलावट के है। तो 1-2 चम्मच आपको यहाँ पे कोकोनट ऑयल यूज़ करना है। ये देखिए कितना बढ़िया हो गया ना, एकदम काला काला लग रहा है ना, जब इसको बालों में लगाओ तो और भी बाल आपके काले काले दिखेंगे, बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया। देखते हो नेचुरल जो बोलते हैं, नेचुरल डाई का काम करता है बालों के लिए और आपको बाहर से किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ज़्यादा क्वांटिटी में बना के रखिए, इसको छोड़ भी सकते हैं, एज इट इज़ बना करके रख दीजिए और ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहेगा तो जितना ये भीगेगा ना तेल में, ये उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा आपके बालों के लिए। तो इसके ऑयल भी बहुत ही अच्छे बनते हैं। इसमें एक और ऑयल बनाना है, ये होगा आपका कैस्टर ऑयल, यानी कि अरंडी का तेल। अरंडी का तेल हमारे बालों की ग्रोथ में भी हेल्प करता है, नए बाल उगाता है दोस्तों। तो 1/4 चम्मच ही आपको यहाँ पे अरंडी का तेल को मिक्स करना है। तो बहुत ही ज़बरदस्त आपका मैजिकल तेल बन करके रेडी हो चुका है, ये देखिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ज़बरदस्त, एकदम नेचुरल डाई लग रहा है। इसको आराम से आप बनाइए और यूज़ कीजिए दोस्तों। आप सप्ताह में एक बार लगाइए, जब भी आपको सफ़ेद बाल दिखते हैं तो सप्ताह में कोशिश कर एक बार लगाइए, कुछ दिन लगाइएगा ना तो कुछ ही दिन में आपको इसका बेहद फ़र्क नज़र आएगा। ये देखिए बाल आपके काले काले बहुत ही सुंदर और खूबसूरत दिखेंगे दोस्तों। मुझे बहुत ही असर दिखता है, मैं हमेशा यूज़ करती हूँ, नए बाल भी उगाता है, बालों की ग्रोथ में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है कलौंजी और हमारे हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। आप इसको खा भी सकते हैं, बहुत सारे पकौड़े में डालिएगा तो बहुत ज़्यादा स्वाद भी बढ़ेगा।
तो इस तरीके से आपको बालों के स्कैल्प से लेकर के पूरे बालों की जड़ों से सिरों तक लगाना है, जहाँ पे भी आपके ज़्यादा सफ़ेद बाल हो रहे हैं, ग्रे बाल हो रहे हैं, वहाँ पे इसको लगा करके अच्छे से इसको कवर कीजिए और कम से कम 5 से 10 मिनट तक अच्छे से मालिश दीजिए, ताकि जो पूरा है अच्छे से आपके बालों में लग जाइए। देखिए बिल्कुल नेचुरल डाई जैसा आपका काम करेगा, बिल्कुल काला दिखेगा आपका बाल, बहुत ही सफ़ेद बिल्कुल भी नहीं रहेगा। दोस्तों ट्राई ज़रूर करिएगा, कम से कम अपने बालों पे इसको 1 घंटे या 2 घंटे लगा रहने दें, उसके बाद आप नॉर्मल शैम्पू जैसे भी आप करते हैं वैसे शैम्पू करके वॉश कर लीजिए बाल। और दोस्तों एक बार करने से ही आपको फ़र्क दिखेगा, एक महीने जब लगातार इसको करिएगा ना, तो आपके बाल बहुत ही ज़्यादा कवर हो जाएंगे, सफ़ेद बाल बिल्कुल भी नहीं होंगे। नेचुरल अच्छा वाला शैम्पू यूज़ करें, कम केमिकल वाला शैम्पू यूज़ करें, दोस्तों आपको फ़र्क बहुत ही जल्दी नज़र आएगा कुछ ही दिनों में। ट्राई ज़रूर करिएगा, बहुत ही इफ़ेक्टिव नुस्खा है, मेरे बाल बहुत ही सुंदर और खूबसूरत दिखते हैं क्योंकि मैं हमेशा ये वाला ट्राई करती रहती हूँ। और भी मैजिकल हेयर DIY भी ट्राई करती रहती हूँ, ऑयल ट्राई करती हूँ, मास्क लगाती हूँ, हेयर मास्क सभी के सभी घरेलू वाले होते हैं, तो सभी के सभी घर पे बनाती हूँ, यूज़ करती हूँ, बालों की खूबसूरती बढ़ जाती है, बाल सुंदर हो जाते हैं, बालों का टूटना झड़ना बिल्कुल कम हो जाता है। ये देखिए कितने सुंदर और खूबसूरत है ना, आप भी ज़रूर ट्राई करिए दोस्तों, आपको बहुत ही जल्दी फ़र्क दिखेगा। ट्राई कीजिए और हमें अपने अनुभव कमेंट्स में बताइए। और भी अगर आप हमारे जैसा सुंदर और खूबसूरत बाल पाना चाहते हैं, तो और भी बहुत सारी बेहतरीन हेयर केयर DIY शेयर करती रहती हूँ, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम सभी जगह फॉलो कीजिए, सभी के नाम डिस्क्रिप्शन में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।